एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? क्या मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बाय एन इज कॉल्ड रो एचेलन फॉर्म इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब कोई भी मैट्रिक्स जो है ना एचेलन फॉर्म में होती है अगर उसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो, जैसे कि द फर्स्ट नॉन एंट्री इन एनी रो इज़ वन दैट इज़ लीडिंग एंट्री, मीन जो उसकी जो रो का किसी भी रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट हो ना वो जो हो लीडिंग एलिमेंट, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो वन हो, और सेकंड क्या है ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री इज मस्ट बी जीरो। मीन्स अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये हो गई रो, अब लीडिंग रो का फर्स्ट एलिमेंट देखें वन है और इसके नीचे सारी की सारी वैल्यू क्या है ज़ीरो है, और सेकंड लीडिंग एलिमेंट ये वन है और उसके नीचे भी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं ज़ीरो हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि एवरी नॉन ज़ीरो रो इन अ मैट्रिक्स प्रोसीड्स ज़ीरो रो इफ़ देयर इज़ एनी, मीन्स अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसके बाद जो रो हो ना उसका फर्स्ट एलिमेंट जो उसके बाद हो वो ज़ीरो हो, जैसे कि ये एलिमेंट यहाँ पर देखें वन, उसके बाद जो रो आ रही है वो ज़ीरो से स्टार्ट है और उसके बाद जो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या होगा ये होगा और ये वन एलिमेंट है और उसके बाद जो रो प्रोसीड होगी वो क्या होगी ज़ीरो होगी, 0 0 22, तो ये हो गया इसकी इचेलॉन फॉर्म। अब ये क्या है 1 1 0 और वन के नीचे सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर सेकंड, ये जो एलिमेंट्स हैं ना इसे हम कहते हैं लीडिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स ये हमारे लीडिंग एलिमेंट्स हैं, अब इसे हम कहते हैं लीडिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखें ये भी लीडिंग एलिमेंट्स हैं हमारे, अब लीडिंग एलिमेंट्स जो रो के स्टार्ट हों वो क्या हों 1 1, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 1 है और उसके नीचे क्या है 0 है, तो सिंपल ये हमारी क्या हो गई इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद है रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि इट इज़ एन इचेलॉन फॉर्म, एडिशनली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम विच कॉन्टेन लीडिंग एंट्री 1 आर 0 एक्सेप्ट द लीडिंग एंट्री। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई लीडिंग एलिमेंट आ रहा है तो उसकी जो भी एलिमेंट्स हो ना लीडिंग एलिमेंट वन हो और उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी, उसके अलावा लीडिंग एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट्स हो वो सब ज़ीरो हो। अब देखें यहाँ पर जो लीडिंग एलिमेंट क्या है वन है, तो यहाँ पर वन के अलावा इस सारे रो में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है ज़ीरो हैं, और यहाँ पर देखें अब इन तीनों रोज़ में अगर ये वन है तो इसके ऊपर भी ज़ीरो होगा नीचे भी ज़ीरो होगा, और यहाँ पर अगर ये वन है तो इसके ऊपर भी क्या होगा ज़ीरो होगा, मीन्स लीडिंग एलिमेंट के अलावा सब एलिमेंट्स क्या हैं ज़ीरो हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म है। एक और एग्जांपल आप ले लें, लेट से यहाँ पर वन ले लेते हैं, ये आपकी ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ना वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म का, जैसे कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म की जो है ना फॉर्म है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को भी आप रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म कह सकते हैं। और उसके बाद है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन आर रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक, मीन्स अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में लिखें या फिर रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में लिखें, उसके बाद लिखने के बाद वो रोज जो नॉन ज़ीरो होंगी उसके नंबर को हम कहेंगे ये इस मैट्रिक्स का रैंक होगा। जैसे कि अब ये कौन सी फॉर्म में पे कौन सी फॉर्म है इचेलॉन रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है, क्योंकि इसके जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 1 है और इसके नीचे जो है वो 0 है, तो ये इचेलॉन फॉर्म में है। अब इसके देखें नॉन ज़ीरो रोज कितने, ये भी नॉन ज़ीरो रो, नॉन ज़ीरो का मतलब है ऐसी रो जिसके सब एलिमेंट ज़ीरो ना हो, दो एलिमेंट ये भी नॉन ज़ीरो क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो है बाकी दो एलिमेंट ज़ीरो नहीं। अब इस रो में दो एलिमेंट ज़ीरो है लेकिन ये जो एलिमेंट है वो ज़ीरो नहीं है, अगर ये एलिमेंट ज़ीरो होता तो ये कहें हम इसे कहते हैं कि ये ज़ीरो रो है, तो नंबर अब नॉन ज़ीरो रो कितनी हो गई 1 2 3, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 3। अब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा 3 होगा। और उसके बाद ये मैट्रिक्स देखें, अब इस मैट्रिक्स के भी 3 रो हैं, रो 1 रो 2 और रो 3, अब इसमें जो थर्ड रो है ना उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये रो आपकी काउंट नहीं होगी, बाकी रोज रिमेनिंग कौन कितनी हुई 1 2, तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, इसकी मैट्रिक्स ऑफ बी की जो रैंक होगी वो क्या होगी
टू होगी। लेकिन उसके लिए रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको या तो मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में लिखना होगा या रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि इसकी रैंक क्या है। अब रैंक के ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो देन रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा, जैसे कि अब मैट्रिक्स ए है टू बाई टू की ले लें, टू फोर और हम यहाँ पर ले लेते हैं फोर वन। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टू फोर फोर वन। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, टू को वन के साथ टू, माइनस फोर को फोर के साथ क्या होगा सिक्सटीन, माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स अब जो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ना वो क्या होगा, टू होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारा टू बाय टू। तो सिंपल जो इसकी रैंक होगी वो भी क्या होगी, टू होगी। अब कह रहा है कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स रैंक जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है लेकिन ज़ीरो से छोटी नहीं होती। अब तो नोट नंबर थ्री क्या है कि रैंक ऑफ नॉन ज़ीरो रो और कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज वन। इसका मतलब यह है कि अब जैसे कि हम यहाँ पर एक रो मैट्रिक्स ले लेता हूँ फाइव सिक्स सेवन। अब देखें ये एक रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी एक रो हो, कॉलम जितने भी हो लेकिन उसमें रो एक हो। अब ये रो मैट्रिक्स है ना, अब इसे ना आपको इसे जो है ना इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है और ना ही रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में। आप सिंपली क्या कहेंगे, अगर रो मैट्रिक्स है तो इसकी जो रैंक होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होगी, वन की। अब अगर हम एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट्स से कॉलम मैट्रिक्स है हमारा फाइव ज़ीरो ज़ीरो, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ बी वो भी क्या होगी, वन होगी। सिंपली ये हो गई रैंक ऑफ मैट्रिक्स।